साथियों, ग्लोबल होते भारत में आपका योगदान भी बहुत होने वाला है, अहम होने वाला है। आज भारत में लोकल के प्रति जो क्रेज पैदा हुआ है वो वैसा ही है जब आजादी के आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तुओं के लिए पैदा हुआ था। अरसे तक हमने देखा कि लोग ये बताया करते थे कि ये चीज हमने उस देश से खरीदी है, ये चीज उस देश की है, लेकिन आज भारत के लोगों में अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर के गर्व की नई अनुभूति आई है। आपको भी पता होगा, आज से 20 साल 10 साल पहले जब आप घर चिट्ठी लिखते थे कि मैं फलानी तारीख को आ रहा हूं, तो फिर घर से चिट्ठी आती थी, आते समय ये ले आना। आज जब जाते हो तो घर से चिट्ठी आती है कि यहां सब मिलता है, मत लाना। मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? यही है ना। दोस्तों, यही ताकत है। और इसलिए मैं कहता हूं, वोकल फॉर लोकल। लेकिन आपका लोकल यहां वाला नहीं। दोस्तों, ये जो दम पैदा हुआ है ना, इस चीज को बनाने में किसी भारतीय की मेहनत लगी है, उस हर प्रोडक्ट के किसी भारतीय के पसीने की महक है दोस्तों, उस मिट्टी की सुगंध है दोस्तों। और इसलिए जो हिंदुस्तान में बना हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा हो, वो हमारे लिए फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, एक बार ये फीलिंग अनुभव करेंगे ना, तो वाइब्रेशन अगल बगल में पहुंचते देर नहीं लगे लोगों। और फिर देखना जब जाओगे आप कि भी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो यहां से लोग चिट्ठी देंगे कि वापिस आते समय हिंदुस्तान से ले आना। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देशियों में एक शानदार उदाहरण बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। और मैं उदाहरण देना चाहूं खादी, आप में से सब खादी को जानते हैं। खादी और नेता, चोली दामन का नाता था। नेता और खादी अलग नहीं होते थे, खादी आते ही नेता दिखता था, नेता दिखते ही खादी दिखती थी। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बीड़ा उठाया, मैंने कहा भी आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है,
यहाँ की साड़ी है, यहाँ की साड़ी है, यहाँ का कुर्ता है, कहते हैं ना। हाँ बोलो तो सही। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था यार एकाध खादी भी तो रख लो, मेरे पास ये फैब्रिक है, फैब्रिक है, खादी भी रख लो। साथियों बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया, और आपको जानकर के आज आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1,00,000 करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ। कितने गरीब विधवा माताओं को रोजी रोटी मिली होगी। दो को पिछले 8 साल में खादी के उत्पादन में जो लगभग 125% की वृद्धि हुई है, और आप दायरा देखिए दोस्तों, मैं जिस मिजाज से स्टार्टअप की बात करता हूं ना, उसी मिजाज से खादी की भी बात करता हूं। जिस मिजाज से मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, उसी मिजाज से मैं सॉइल की भी बात करता हूं। साथियों आज मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा आगे कि भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में आप भी मेरा साथ दीजिए। यहां के लोगों को भारत के लोकल की विविधता, भारत के लोकल की ताकत, भारत के लोकल की खूबसूरती से परिचित आप बहुत आसानी से करवा सकती है।